तुमने ये चार ड्रिल का सेट मंगाया था 600 रुपये में, जो कि दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें जो लिखा हुआ है ये हमने मंगाया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉन भंडारी टूल लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा ये कौन सा टूल दिया हुआ है। 9x ब्लू टूल का दे रखा है, सारे में ऐसे ही है, सारे ये लोकल कंपनी है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। और ये भी 9x का है, और यहाँ पे जॉन भंडारी का दे रखा है। ये 600 रुपये में चारों टूल थे, ये चारों जो टूल थे 600 रुपये में था। फ्लैट फ्लैट वुड ड्रिल बिट था, दीवार पे करने वाला, दीवार वाला टूल, और ये लक्कड़ में 4 mm से 10 mm तक लक्कड़ पे करने के लिए, और इससे बड़ा करने के लिए ये 16 से लेके 25 तक ये वाले टूल दे रखे थे, और ये लोहे पे करने के लिए। और हमने इसको आपको इस पर दिखा देता हूँ, ये प्राइस इसका 600 रुपये में सारा ड्रिल कर रहे थे तो ये मुड़ चुका था, ये जो है ये ड्रिल करते वक्त ये मुड़ गया था, और ये इसको हम ड्रिल कर रहे थे तो ये सारा जो है इससे हो नहीं रहा था। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसका शार्प बिल्कुल भी, जो पॉइंट है बिल्कुल भी शार्प नहीं है, यादें में जाके धुआं छोड़ रहा है। तो हमने बहुत सारा ट्राई किया इस पर, तो ये जो छोटा वाला है इससे तो हो रहा है, पर ये जितना ये बड़ा है उससे नहीं हो रहा, और ये जो है ये टेढ़ा ही हो गया पूरा, और ये जो है ये टेपर ही हो गया। इसमें जो है ये शार्प भी नहीं है, इसका जो पॉइंट है बिल्कुल भी शार्प नहीं है इसका, अगर ये दोनों साइड से शार्प रहता है तो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदा है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा पतला है, ये ऐसे लगा जैसे टीन का हो, पर थोड़ा सा ही है, अगर ज़्यादा लोड दें शायद हाथ से भी मुड़ जाए इस तरीके से है। तो इसकी भी क्वालिटी बेकार है, आपके आगे भी एक दो ड्रिल करके दिखाऊंगा किस तरीके से कितना दम लगाना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा वीक है कि अगर हमने इसको दीवार पे किया क्या पता है यहाँ से टूट जाए बाद में, वो कहें कि ये टूटा हुआ हम वापस नहीं लेंगे, तो इसको हम डर रहे हैं। पर फिर भी एक कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए कि क्या इससे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एक जो बॉक्स है ये 150 रुपये का पड़ा है, एक बॉक्स देखा जाए तो 600 रुपये के हिसाब से, पर ये 100 रुपये के लायक भी नहीं है। जो आपको मैंने शुरू में बताया था जॉन भंडारी के नाम से जो था, वो एक डब्बा 200 रुपये या 180 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा के 200-220, पर हो सकता है वो कंपनी का था इसलिए वो दिखा कुछ और रहे हैं और दे रहे हैं नकली कंपनी। अगर ये ओरिजिनल रहता तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता। इसकी जो इसका शार्पनेस है कुछ भी नहीं है, शार्पनेस यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट है बस, इसमें तो बिल्कुल ही शार्पनेस नहीं है, ये तो फ्लैट है। यहाँ से अगर ये शार्पनेस रहता तो कुछ रहता, पर ये बहुत ज़्यादा ही फ्लैट है, बस एक ये पैनस है, यहाँ भी ये शार्पनेस नहीं है, इस तरीके से मुड़ा रहना चाहिए ताकि ये हुड में जाके इसको फाड़ सके, पर ये ड्रिल कर ही नहीं पा रहा। ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आप कहेंगे किसी और का बीटन नहीं, ये सीखा है, पर ये इसमें धुआं छोड़ देता है, और ज़्यादा धुआं छोड़ने का मतलब है ये हीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो यहाँ पे मुड़ा है उस तरीके से ये मुड़ जाएगा। ये बड़ी मेहनत से ये ज़्यादा होल किया था, ये जिससे धुआं छोड़ा, एक होल करा और ये टेढ़ा हो गया, बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट है। तो इसको हमने खोला नहीं है, अगर ये लक्कड़ में ये इतना गंदा हाल है तो ये लोहे का है, अगर आप लें तो कंपनी वाला लें, जो लोहे का आता है 1 mm से लेके 1.5 mm, 2 mm, 2.5, 3, 3.5, इस तरीके से ये 6.5 mm तक का है, और इस वाले में वही 4, 5, 6, 8, 10, ये 10 mm है, ये भी 4, 5, 6, 8, 10 है। मैंने सोचा एक बार में ही सारा आ जाएगा तो अच्छा है, पर नहीं आया, बेकार प्रोडक्ट है, इसको मैं रिटर्न करूँगा। और इसके लिए मैं आपके लिए एक ड्रिल करके भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये मशीन है जिसको हमने ये सेट कर रखा है, इससे करेंगे, करें ये धुआं देने लगा, और आपको जैसे दिख रहा होगा ये टेढ़ा हो चुका है थोड़ा सा, ये टेढ़ा हो चुका है, और आपको दिखाते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले ये वाला बीट था 20 का, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, अब हमने दूसरा लगाया 18 का, अब इसको करके देखते हैं। ये इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रहे हैं, और ये तो फिर भी ठीक था, पर ये देखो टेढ़ा हो चुका है, ये तो फिर भी ठीक था पर ये तो काला ही हो गया,
और ये ज़्यादा गर्म होगा तो मतलब लोहा गर्म होके पिघल के मुड़ जाएगा, ये थोड़ा सा गर्म में मुड़ जाएगा, ये बस घूम रहा है, ये छेद नहीं कर पा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा। तो इस पर ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसे वापस करना है, तो बेकार है ये। ये है 10 mm का, और ये बता दूँ ये जो मशीन है ये 900 वाट का पावर है, तब जाके ये हाल है, और नॉर्मल मशीन से तो भूल जाओ। पूरा जोर लगाने के बाद तब जाके हुआ। ये 8 mm का ये देख लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये छेद कर रहा है उसी तरीके से ये सारा अगर सही से छेद करे तो बहुत अच्छा है, जिस तरीके से ये वाली बीट कर रही है। तो अब एक बीट के लिए हम पूरा सेट तो रख नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं इसे वापस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक दो ही, मैं नहीं कह रहा ये सारा ख़राब है, सारा ख़राब नहीं है, जैसे ये मुड़ गया, ये कर नहीं पा रहा है, ये थोड़ा सा बहुत दम लगा के करना पड़ रहा है, ये वाला ठीक है, कोई सही है कोई ख़राब है। अब जैसे इसमें, इसमें बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, इसमें तो, और इसमें तो बिल्कुल नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा हो भी रहा है, और इस ये सही कर रहा है, और ये दोनों छोटे हैं तो ये भी मुझे लगता है कर देगा, छोटा है क्योंकि, पर बड़े वाले तो बिल्कुल ही बेकार है। ये बिल्कुल आसानी से कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको जो दीवार वाला होता है, जो ईंट में होता है, उसका यूज़ करके देखता हूँ, बस टूटे नहीं, बाकी सब ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 8 mm से, ये 8 mm है। अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है। साउंड अच्छे के लिए हमने सारे पंखे वंखे सब बंद कर रखे। अब इसको करेंगे हम ईंट में, चलो लक्कड़ वाले से तो ठीक है। अब इसको हम जो सेट करेंगे, चलो ड्रिल से नहीं हुआ, दीवार में तो हैमर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हमने सेट कर दिया हैमर पे। अब देखते हैं ये हैमर से कैसा टेस्टिंग है। हैमर से तो टूट गया यही थी, पर बीट बच गया है। अगर इस चीज़ को हम दीवार पे करें तो दीवार, ये तो गया, ये मशीन इतनी पावर की है ये झेल नहीं पाएगा, दीवार पे यूज़ करना पड़ेगा। वैसे अच्छा था लक्कड़ वाले से, बहुत अच्छा है इस वाली चीज़ से, ये दिखने में नकली लगता है, पर ये ठीक था। अगर ये एक दो भी कामयाब निकल गए, जैसे कि ये वाला, तो हो सकता है मैं वापस ना करूं, पर ये वाला बहुत बेकार है। इसकी जगह पे एक गोल वाला आता है, वो लीजिएगा, वो बेहतर है। ये ठीक था, जो सही है वो सही ही बोलेंगे। मैं आपको दीवार पे करके ही दिखा देता हूँ, ऐसे पता नहीं चल रहा, मुझे भी नहीं पता चल रहा ना आपको पता चलेगा, हैमर के द्वारा दीवार पे करके। पहले मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, ये हम दीवार पे आ गए हैं, पहले पास पे, ऐसे तो बहुत ताकत लग रही है, और ये जो बीट गया बस इतना सही गया है। अब मैं ये हैमर पे करता हूँ, ठीक है, हैमर पे सेट। अब देखते हैं आप इस वाले में कितना टाइम, पूरा गया और बीट ठीक है अभी, एक और
ये देखा जाए लक्कड़ से ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने इसके बारे में भी, इस वाले बीट के बारे में भी और इसके बारे में भी बता दिया, बस ये बीट ठीक है। देखा जाए तो ये बीट सबसे घटिया है, ये बीट ठीक है, ये बीट एक दो बीट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बीट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी अच्छा काम करेंगे क्योंकि छोटे हैं तो छोटा आराम से हो जाएगा। इसको हमने खोला ही नहीं है, सील पैक है ये पूरा पिन्नी में, तो हमें इसकी औकात पता है। जब ये लक्कड़ में ये हाल है, ये भी लक्कड़ का, इसका भी ये हाल है। ये ठीक है, उतना ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। इसका हमें पता है लोहे में क्या होगा, ये तो बिट टूटेगा या इसका आगे का पॉइंट ख़राब होगा। और ये हमने जो लिया था ये फ्लिपकार्ट से लिया था 600 रुपये में, तो ना फ्लिपकार्ट से ले ना अमेजोन से, खासकर ये दिखाएंगे जॉन भंडारी को और देंगे 9 जैक का, तो ये बहुत गलत है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, अगर आपको 10% भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और कुछ वीडियो में कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है वो भी बता सकते हैं, आप सबको ज़्यादा नॉलेज होगा। अभी हमने शुरू किया है तो आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। बस बाकी ये जो ये भी हमने ऑनलाइन ही लिया था, आई बेल का है ये 900 वॉट का, इसमें सारे फंक्शंस हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। बस थैंक यू, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी वीडियो हो गई इसलिए मैं इसका नहीं दिखाऊंगा, इसका कभी और दिखाऊंगा अगर मैं ऑन लिया तो, ये अगर रखूंगा तो ठीक है, वरना इसका दिखा दूंगा कभी और। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।